आज तेलंगाना में रेवंता रेड्डी ने सीएम पद की शपथ ली, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन सीएम पद की शपथ लेगा, इसको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। मुलाकातों का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर भोपाल, जयपुर और रायपुर में मंथन का दौर चल रहा है। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच दो राउंड की बैठक हो चुकी है। वहीं पर बड़े बड़े दिग्गज दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। नतीजों को आए 4 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ सियासी हलचल आज दिन भर देखने को मिला है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसके साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं। सीएम पर सस्पेंस के बीच दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी से मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। ऐसे में क्या जल्दी ही नाम फाइनल कर लिया जाएगा तीनों ही राज्यों का सीएम को लेकर। पीएम के साथ दो राउंड की बैठक इसके पहले भी हो चुकी है, गृहमंत्री की, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की। लेकिन इन सबके बीच अब आगे क्या होगा, हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, ये जो मुलाकात होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की, इसका क्या है एजेंडा, सीएम को लेकर ही ये बैठक होने वाली है क्या? देखिए, बिल्कुल जो है ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले भी दो राउंड जो है दोनों नेता बैठ चुके हैं, उसमें पार्टी अध्यक्ष जो है वो खुद रह चुके हैं इस बैठक में। और ऐसे में दूसरी तरफ ये टाइम जो है वसुंधरा राजे को दिया था जेपी नड्डा की तरफ से, इस तरीके की खबरें आई थी हमारे पास। और ये माना जा रहा है कि देर शाम जो है खुद वसुंधरा राजे जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकती हैं, और दूसरी तरफ ये बैठक तो कहीं ना कहीं तीनों राज्यों को लेकर, मुख्यमंत्रियों के नामों के मंथन को लेकर ये जो चिंतन हो रहा है, मुझे लगता है जल्द ही इसका निष्कर्ष जो है चित्र निकल जाएगा। और शनिवार और रविवार को जो है वो विधायक दल की बैठक जो है इन तीनों राज्यों में बुला ली जाएंगी। उसके लिए ऑब्जर्वर के, जो भी ऑब्जर्वर होंगे तीनों राज्यों में, उनके नामों की घोषणा जो है वो कल तक हो जानी चाहिए। इस तरीके की जानकारी जो है वो पार्टी की तरफ से हमें मिल रही है, लेकिन फिर भी ये देखना होगा कि तीनों राज्यों में क्या पुराने चेहरों को ही तरजीह दी जाएगी या फिर सब कुछ बदल दिया जाएगा। ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि पुराने चेहरे ही रहेंगे या फिर सारे चेहरे बदल दिए जाएंगे। हिमांशु, जैसे ही कोई और जानकारी निकले आप हम तक पहुंचेगा। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता दिल्ली से जानकारी देते हुए। कुल मिलाकर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री इसको लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। राजस्थान में सीएम की रेस में कई बड़े चेहरे हैं, इन सबके बीच वसुंधरा राजे ने पूरा जोर लगा दिया है। बड़ी खबर ये आ रही है, बीजेपी कल करेगी पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान। यकीनन उनके जरिए कम से कम एक कदम आगे बढ़ेगी बीजेपी, और उसके बाद आगे तय किया जाएगा विधायक दल की बैठक से कौन सा नाम निकलकर सामने आता है। तीन राज्यों के पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कल किया जा सकता है। पर्यवेक्षक राज्यों के विधायकों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कौन बने मुख्यमंत्री, और उसके बाद आलाकमान को बताया जाएगा, फिर नाम का ऐलान किया जाएगा। तो पर्यवेक्षकों के नाम के ऐलान का इंतजार अब किया जा रहा है बेसब्री से। इस बीच वसुंधरा राजे ने पूरा जोर लगा दिया है, उन्होंने जयपुर में शक्ति प्रदर्शन किया, दिल्ली का रुख कर लिया। जेपी नड्डा से आज देर शाम उनकी मुलाकात की खबर है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। कौन जाता है कि उनका ये शक्ति प्रदर्शन महंगा पड़ सकता है। दो दिन बाद वसुंधरा के सुर बदल जाते हैं। वसुंधरा दिल्ली फोन लगाती है, उनसे कहती है कि वो बीजेपी की सच्ची सिपाही है।
और फिर जयपुर से दिल्ली आ जाती है। हालांकि दिल्ली आने की वजह निजी बताती है। अब वसुंधरा दिल्ली में बैठकर आला कमान से मुलाकात की कोशिशों में लग गई है, जहां वो अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड विजय इस बात का प्रतीक है कि मोदी जी की गारंटी के आगे कांग्रेस के झूठे वादे और दावे नहीं चले। आज संसदीय दल की बैठक में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सांसदों द्वारा शानदार स्वागत। इतना ही नहीं, किशनगंज से बीजेपी विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने आरोप लगाया कि वसुंधरा के बेटे ने कुछ विधायकों को अपनों राजस्थान रिसोर्ट में रखा था। पूर्व विधायक हेमराज के मुताबिक वसुंधरा के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह ने उनके बेटे समेत 6 विधायकों को रिसोर्ट में रखा था। हेमराज के मुताबिक इसकी सूचना राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह और राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी को दी गई, जिसके बाद पुलिस की मदद से ललित मीणा को वहां से निकाला गया, जबकि बाकी वसुंधरा गुट के 5 विधायकों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। एक विधायक ने मना कर दिया कि वहाँ मिलने मत जा, तो मेरी जानकारी में आया कि, तो फिर मैंने कहा भाई कार्य तो जाएंगे, तो मैं जाके लेने गया, उसको जाके ले आया और कुछ लोगों ने व्यवधान किया, 10-5 लोग वहाँ खड़े थे कि वो हम नहीं जाने देंगे। फिर क्या था, फिर मैं उसको ले आया, मेरे साथ भी 10-5 जने थे, मैं लेके आ गया उसको। कहाँ गए थे, कहाँ लेने गए थे आप? वो एक रिसोर्ट है अपना, अपना राजस्थान वाला रिसोर्ट था, उसमें थे। उसको दुष्यंत सिंह जी ले गए थे साथ में, और तो कोई नहीं था। मैडम के बेटे दुष्यंत सिंह जी ले गए थे। वहीं राजस्थान से ही सांसद बालकनाथ आज दिल्ली पहुंचते हैं और अपना इस्तीफा सौंप देते हैं, जिसके बाद वो अमित शाह से मुलाकात करते हैं। हालांकि इस्तीफे के सवाल पर वो मीडिया से बचते नजर आते हैं। आप रिजाइन करेंगे आज? नमस्कार जी, नमस्कार। आप आज रिजाइन करेंगे एज एन एमपी? अरे बात तो कर रहे हैं। जयपुर की सत्ता का सिंहासन अब पूरी तरह से दिल्ली शिफ्ट हो चुका है। वसुंधरा दिल्ली आ चुकी है, वहीं दावेदारों की लिस्ट में शामिल चुनाव लड़ने वाले सांसद भी दिल्ली में। उधर दिल्ली से प्रभारियों की एक टीम जयपुर में विधायकों का मन टटोल रही है। बैठकों का दौर जारी है, मंथन चल रहा है, क्योंकि सवाल सिर्फ सीएम पद का नहीं है, सवाल 2024 लोकसभा चुनाव का भी है, जहां एक गलत चेहरा बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में हर समीकरण पर फूंक फूंक कर विचार किया जा रहा है। जयपुर से शरद कुमार, देवंकुर, दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। यकीनन मध्य प्रदेश राजस्थान में ज्यादा सीटें, एक तरफ राजस्थान में 25 लोकसभा की हैं तो 29 हैं मध्य प्रदेश में। ऐसे लेकर 2024 की रणनीति भी तय की जानी है। सीएम को लेकर माथापच्ची लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, वसुंधरा राजे सिंधिया को मुलाकात करना था जेपी नड्डा से, लेकिन मुलाकात में देरी हो रही है। शाम 5 बजे का वक्त ही निर्धारित था, लेकिन 2 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। इसके पीछे की वजह क्या है, सीधे रुख कर लेते हैं। देवंकुर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवंकुर, मुलाकात तो 5 ही बजे होनी थी, अभी तक मुलाकात का नहीं हो पाना क्या संकेत कर रहा है? देखिए, बड़ा संकेत है राजनीतिक तौर पर। वसुंधरा राजे इस समय अपना शायद आखिरी बड़ा दाव खेलने वाली है राजस्थान के मुख्यमंत्री के चुनाव से पहले, और इसके तहत वो कल देर रात पहुंची दिल्ली में लगभग 11:30 बजे। उसके बाद वो सीधा एयरपोर्ट से निकलती हैं, वहां पर कुछ पत्रकारों को एयरपोर्ट पे वो कहती हैं वो तो अपने पुत्र वधू से मिलने आई हैं, पर हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है चित्रा कि वो जेपी नड्डा जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करने गई थी और उन्होंने टाइम भी मांगा हुआ था, पर वो मुलाकात अभी तक नहीं हुई है। जैसा कि आपने कहा 5 बजे का टाइम दिया था, पर अभी तक मुलाकात नहीं हुई है। और जो कल का घटनाक्रम रहा और आज जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया कि एक विधायक जो कि रिजॉर्ट में रखे गए थे और आरोप उनके पिता ने ये लगाया कि उनको तो दुष्यंत सिंह जो कि वसुंधरा राजे के बेटे हैं उनके कहने पर रिजॉर्ट में रखा गया था, तो क्या वसुंधरा राजे बाड़े बंदी करने की कोशिश कर रही थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और उनके पिता ने ये भी कहा चित्रा कि वो तो
पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के जो प्रभारी हैं राजस्थान के यानी कि अरुण सिंह और जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के सीपी जोशी, उन दोनों को इस बारे में बता चुके हैं और कहीं ना कहीं अगर बताया है इनको तो ये सूचना राष्ट्रीय भाजपा के जो नेतृत्व है वहां तक भी पहुंची होगी। बिल्कुल। क्या वसुंधरा को बुलाया गया है?